गुड मॉर्निंग फ्रेंड सुबह के साढ़े दस बज चुके हैं और मैं अकेली जा रही हूँ शॉपिंग के लिए तो आज संडे है तो यहाँ पे मार्केट जो है बहुत जल्दी खत न, फिनिश हो जाता है छः बजे कुछ तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ कॉवेंट मार्केट तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें देखने मिलती है तो चलो एक्सप्लोर करते हैं कॉवेंट मार्केट जो यहाँ पर लंडन में बहुत ज़्यादा फेमस भी है तो लेट्स गो तो कॉमेंट गार्डन जाने के लिए जो है मैंने ट्रेन ले ली थी तो उसके लिए जो है टोटनम कोट रोड जो है यहाँ पे उतरना है तो जैसे ही मैं टोटनम कोट रोड स्टेशन के बाहर आई हूँ तो सामने है ये थ्री डी टी वी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है बहुत टाइम तक मैं यहाँ पे खड़ी थी देखने के लिए और बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े थे ये देखने के लिए आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है एक्चुअली ये वीडियो में पता नहीं कैसे दिखाई देता होगा बट uh, जो सामने दिख रहा था ना बहुत ही अमेजिंग था क्या क्या होता है ना तो चलते चलते जो है मुझे यहाँ पे दिखा है ये थिएटर जहाँ पे हैरी पॉटर का जो न्यू सीरीज़ आई है कर्ज चाइल्ड इसका प्ले चल रहा था एंड टोटनम रोड कोट रोड से जो है कोवेंट गार्डन अराउंड टेन टू थर्टीन मिनट्स के दूरी पे है बाय वॉक आप वहाँ पे जा सकते हो तो ये रहा कोवेंट गार्डन आप इसका जो एंट्रेंस है वो देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल बना है ना मुझे इतना पसंद है आप देख सकते हो बहुत ही सही था मुझे एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लगा कि बहुत सारा शूट ले करूँ और इवन मुझे यहाँ पे फ़ोटो भी लेनी थी बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं अकेली आई थी और मुझे बहुत शर्म आ रही थी लोगों से बोलने के लिए कि मेरी फ़ोटो ले ले करके तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स की जो है शॉप्स है बहुत सारे यहाँ पे बार भी है होटल्स भी है फॉरेस्ट इसेंशियल ब्रांड तो आपको पता ही होगा एंड रिसेंटली इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है जो मुंबई की धारावी से है जिसकी यहाँ पे फ़ोटो लगी है तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है यहाँ पे शॉप्स है आ, तो ये जो है ये है सामने सेंट पॉल चर्च तो यहाँ पे जो है बहुत सारे परफॉर्मेंस हमेशा होते रहते हैं अभी भी यहाँ पे एक परफॉर्मेंस चल रहा है लेकिन ये चर्च का जो है एंट्रेंस नहीं है ये बैक बैक साइड है चर्च की और अब हम जा रहे हैं एप्पल मार्केट जो कॉवेंट मार्केट का सबसे फेमस मार्केट है जो है एप्पल मार्केट तो चलो देखते हैं एप्पल मार्केट में हम हमें क्या क्या देखने मिलता है वीकेंड था तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत रश थी और आ, मैं देख रही थी कि यहाँ पे जो है आ, हम क्या ख़रीद सकते हैं मैं क्या शॉपिंग कर सकती हूँ यहाँ पे आ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे समझ में आ गया यहाँ पे जो है एप्पल मार्केट में जो है सारी चीज़ें जो है वो हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी इवन ये जो आपको टाई दिख रहा है ये भी हैंडमेड है तो बहुत ही अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो और ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने हैंड मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हैंडमेड है तो इसके जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे है कुछ लिखा साउथ हॉल और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जो है नीचे आ, रेस्टोरेंट बना है तो ये ये साइड में जो है सारे रेस्टोरेंट थे और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना मुझे इतना कूल लगा बहुत ही सही था ये और इसी से जो है आगे जाके आप देख सकते हो बहुत सारे आ, रेस्टोरेंट जो है आ, वो दिखाई देंगे तो यहाँ से जो है ये जुबली मार्केट है ये जुबली मार्केट भी जो है कोवेंड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग और बहुत ही अलग चीज़ें मिलेंगी जो नॉर्मली आपको किसी शॉप में या इधर उधर नहीं मिलेगी तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारे शॉप जो है वो हैंड है हैंड चीज़ें बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेन का शॉप है ये जो पेन पे उन्होंने कुछ बनाया है एनिमल्स बनाए हैं और ये लकड़ी से उन्होंने ये बनाया बहुत ही खूबसूरत लगा ये इस एक पेन की प्राइस जो थी वो अराउंड कुछ फिफ्टीन पाउंड थी ये जो है शूज़ है तो ये यह लोग यहाँ पे शूज़ पे जो है आपको जैसे चाहिए पिक्चर्स बना के देंगे तो यहाँ पे कपड़े भी थे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ, मुझे देखने मिली यहाँ कि एक कैंडी शॉप था जहाँ से मैंने आ, बहुत सारी कैंडीज़ जो है वो ले ली चॉकलेट्स लिए थे मज़ा आया एक्चुअली कुछ नया देखने के लिए मिला अगर आपको आ, ऐसे कुछ नई चीज़ें आपको अगर किसी को हैंडमेड चीज़ें बहुत पसंद आती है उनका मतलब उनका कलेक्शन करना बहुत पसंद होता है तो आप यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी रखी थी काफ़ी महंगी थी, थी। जो शॉप थी ना वो बहुत ही अलग थी एक्चुअली यहाँ पे कुछ फ्रेम बने थे और यहाँ पे बटरफ्लाइज थे ड्रैगन फ्लाइज स्पाइडर ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी थी एंड ये सारी जो बटरफ्लाईज ये सारी रियल्स थे मतलब जो रियल वहाँ पे उन्होंने बना के इसकी फ्रेम बनाई थी दिखने के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो ऐसे बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन पे उन्होंने पेंटिंग की है तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बहुत ही नई नई चीज़ें और मुझे ऐसी चीज़ें देखने के लिए बहुत पसंद है एक्चुअली काफ़ी कॉस्टली है ये जो है, मार्केट है जुबली मार्केट एंड इवन एप्पल मार्केट जो है काफ़ी कॉस्टली है लेकिन अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो नया कुछ खरीदना चाहते हो अपने घर के लिए तो ये परफेक्ट प्लेस है यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वाइटी में मिल जाएगी तो जैसे कि सबको पता है कि इंग्लैंड के न्यू किंग है किंग चार्ल्स तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेकोरेशन बनाया था जहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ले ली तो यहाँ पे मुझे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप दिखी जहाँ पे ये जो लेडी थी वो वायर से बहुत सारी चीज़ें इसने बनाई थी आप देख सकते हो कितनी वैरायटी की चीज़ें इस लेडी ने जो है ये वायर से बनाई है तो ये जो है लेडी अपना मतलब आपको जो नाम चाहिए वो लिख कर आपको आ, बना के दे देगी तो इस लेडी से जो है मैंने मेरे बच्चों का नाम आ, नाम का जो है एक स्टैंड बनवा के लिया और काफ़ी रीज़नेबल था इसीलिए <laughs> इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और इसने हार्डली जो है वन और टू मिनट में इसने पूरा जो स्टैंड है वो बना के आ, दे दिया था तरीके से ये स्टैंड जो है वो बनकर तैयार है मेरी बेटी का नाम लिखा है तो यहाँ पे जो है आप कुछ भी फोटो रख सकते हो या फिर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो फिर वो भी आप रख कर आप पढ़ सकते हो इसी तरीके से मैंने मेरी दूसरी बेटी का भी नाम का स्टैंड जो है बना लिया और उसके बगल में बहुत सारे अलग अलग शॉप्स थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई है वो मतलब कोई जो पेंटर है वो पेंटिंग कर रहा है तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है Uh, यहाँ पे मुझे देखने मिली तो यहाँ पे ये यह स्काफ़ का जो शॉप था जहाँ से मैंने दो तीन स्काफ़ लिए कॉविन गार्डन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे रॉयल ओपरा हाउस है उसके साथ लंदन ट्रांसपोर्ट म्यूजियम भी है बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स मॉल्स मतलब जो स्टॉल्स है क्राफ्ट स्टॉल जो है हैंडमेड जो मैंने आपको दिखाया वो भी सारे शॉप्स आप देख सकते हो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है तो तो एक्चुअली गविन गार्डन में बहुत सारे शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके कर सकते हो uh, जैसे कि आप ये, ये रेस्टोरेंट देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है मुझे बहुत ही अच्छा लगा बाहर से uh, देख कर एंड ऐसी uh, बहुत सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे कर सकते हो इवन यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे मुझे शिनाल एंड कूची का भी uh, जो है शॉप्स दिखाई दिए एप्पल मार्केट के सामने ही सेंट पॉल चर्च है जहाँ पर हमेशा जो है लाइव परफॉर्मेंस होती रहती है एक परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद कोई और परफॉर्मेंस करता है तो इस तरीके से जो है वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा चलती रहती है कोविन गार्डन जो है मुझे बहुत पसंद है बहुत ही हैपनिंग प्लेस है आप यहाँ पर आराम से हैंग आउट कर सकते हो शॉपिंग कर सकते हो और भूख लगी तो यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो फिर आप खा भी सकते हो जब मैं गूगल में सर्च कर रही थी कि कॉवेंट मार्केट में जो है हम क्या क्या देख सकते हैं उसमें और एक जगह थी और वो जगह थी नील्स यार्ड और ये जो जगह है कॉवेंट मार्केट से जो है अराउंड टेन फिफ्टीन मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो ये रहा नील्स यार्ड का जो है इंट्रेंस तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है तो दो से तीन बार जो है अंदर बाहर करने के बाद मुझे पता चला कि नील यार्ड बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही है ये एक गली है जिसके अंदर दो तीन जो है रेस्टोरेंट्स है और ये हेयर बाय फेरी ये शॉप है जिसके सामने बहुत सारे लोग फोटो निकालते हैं और ये एक बिल्डिंग है जिसको बहुत ही अच्छे से सजाया गया है दैट्स एट यहाँ पे बस देखने के लिए यही है लोग यहाँ पे बस ये बिल्डिंग की तस्वीरें और यहाँ पे कुछ फोटोज़ लेने के लिए आते हैं और अलग यहाँ पे और कुछ नहीं है तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे एक दो फ़ोटो जो है वो खींच ली सो so फ्रेंड्स अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ आज बहुत सारी शॉपिंग कर ली बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर कर ली है तो ये देखो बहुत सारा बैग भर दिया मैं घर पर जाकर आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है तो बहुत मज़ा आया आज और ये जो कॉवेंट मार्केट है बहुत ही मज़ेदार है बहुत सारे शॉप्स है बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं वहाँ पे तो आप कभी भी लंदन आ रहे हैं तो एक बार कॉवेंट मार्केट जो है ज़रूर जाइए एक्सप्लोर कीजिए तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे आप प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल So thank you so much for watching. Bye bye.